Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about multiplying a polynomial by a polynomial. Now today, we will start our next topic, that is, what is an identity and second one is standard identities. So, what is an identity? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि identity क्या होती है. तो हम यहाँ पे एक equality consider करेंगे, that is, a प्लस वन मल्टीप्लाई बाई ए प्लस टू. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन जैसे हम बाइनोमियल से करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू. ठीक है, तो क्या ये एक आइडेंटिटी है? तो कैसे चेक करेंगे? यहां पे वेरिएबल ए है. ठीक है, अगर ए के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा. तो चलिए हम A के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके LHS और RHS की वैल्यू चेक करते हैं. सो एट A इक्वल टू टू. ठीक है, सो चलिए हम LHS की वैल्यू निकालते हैं. LHS इक्वल टू सो A के प्लेस पे हम टू पुट करेंगे तो टू प्लस वन और 2 प्लस टू. सो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो गया 2 प्लस वन इक्वल टू थ्री, 2 प्लस टू इक्वल टू फोर और बीच में मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू 12. ठीक है, अब हम RHS सॉल्व करेंगे. इक्वल टू a के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू प्लस टू इक्वल टू टू स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 इंटू टू हो गया 6 प्लस 2. सो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12. सो देखिए यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ रहा है. सो चलिए हम A की नेक्स्ट वैल्यू पे भी चेक करते हैं. एट A इक्वल टू नेगेटिव 5. सो LHS इक्वल टू ए के प्लेस पे नेगेटिव 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 5 प्लस 2 इक्वल टू. सो नेगेटिव 5 प्लस 1 नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 5 प्लस 2 नेगेटिव 3. सो 4 3 इज 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, सो रिजल्ट 12 ही आएगा. चलिए हम RHS पे चेक करते हैं. सो पुट करेंगे हम नेगेटिव 5 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू नेगेटिव 5 प्लस 2. सो नेगेटिव 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू. सो 25 माइनस 15 10, 10 प्लस 2 12. सो देखिए यहाँ पे भी LHS और RHS की वैल्यू इक्वल. तो देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसी इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी वो होता है जो किसी भी वैल्यू पे LHS और RHS की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं वो एक्सप्रेशन क्या है, आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी कौन सा नहीं होगा, चलिए हम आपको बताते हैं. लाइक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस प्लस थ्री ए प्लस टू इक्वल टू 132. तो क्या ये आइडेंटिटी होगा? सो चलिए हम ए की वैल्यू लेके चेक करते हैं. सो एट ए इक्वल टू 1. सो LHS इक्वल टू इक्वल टू सो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 2. सो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6. RHS है दैट इज इक्वल टू 132. सो देखिए LHS और RHS की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है. इट मीन जो ऊपर इक्वेशन गिवन है वो क्या है, आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ इक्वेशन है क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू पे ही LHS और RHS वहां पे इक्वल होगा. ठीक है,
हर वैल्यू पे इक्वल नहीं होगा. इट मीन दिस इज इक्वेशन. ठीक है. सो आपको आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना. सो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. सो आवर टॉपिक इज स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज. सो देखिए आपको इस चैप्टर में फोर आइडेंटिटीज पढ़नी है जो कि बायनोमियल जब मल्टीप्लाई होता है बायनोमियल से सो उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज है ये. ठीक है. सो चलिए वन बाय वन हम आपको बताते हैं. तो देखिए बायनोमियल के केस में क्या हो सकता है. ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी. ठीक है. ये सिचुएशन हो सकती है. दो टर्म्स हो दोनों में सेम हो और बीच में प्लस की साइन हो. ठीक है. सो हम इसको और क्या लिख सकते हैं. ए प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है. सो चलिए हम देखते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है. सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. सो बायनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बायनोमियल से कैसे करते हैं. ए का मल्टीप्लाई ए प्लस बी से होगा और बी का भी मल्टीप्लाई ए प्लस बी से होगा. सो इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इक्वल टू सो हो जाएगा ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू बी प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए ए बी प्लस बी इंटू बी सो जाएगा बी स्क्वायर. ठीक है. ये दोनों लाइक टर्म है बीच वाला टर्म्स. सो ए बी प्लस ए बी टू ए बी हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो देखिए हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी आई है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सो चलिए अब हम आते हैं अपनी सेकेंड आइडेंटिटी पे. सो सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगा. ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी. सो देखिए फर्स्ट केस में क्या था. हमने दो टर्म्स को सेम लिया था बीच में प्लस साइन ली थी. दोनों बायनोमियल्स वहां सेम थे लेकिन बीच में प्लस था. यहां पे भी दोनों बायनोमियल सेम है लेकिन बीच में क्या है माइनस है. सो दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके. सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. ए का मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी से और माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन भी ए माइनस बी से. दैट इज इक्वल टू ए. सो मल्टीप्लाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू सो ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी माइनस बी इंटू ए सो माइनस ए बी. अब माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन माइनस बी से है सो होगा माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर. ठीक है. सो इक्वल टू ए स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है माइनस ए बी और माइनस ए बी तो हो जाएगा माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो आइडेंटिटी हो गई ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो सेकेंड आइडेंटिटी इज ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो देखिए फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. वहां प्लस टू ए बी है यहां माइनस टू ए बी है. सो थर्ड आइडेंटिटी इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी. सो देखिए वहां पे क्या था. एक केस में दोनों पॉजिटिव था सेकेंड में दोनों नेगेटिव था. अब थर्ड में एक को पॉजिटिव लिया है हमने एक को नेगेटिव. ठीक है. ये थर्ड सिचुएशन है. सो इसको तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं ना ही ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है. तो चलिए पहले हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दैट इज इक्वल टू सो ए का मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी से और प्लस बी का भी मल्टीप्लीकेशन ए माइनस बी से. सो ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी
प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी सो प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर. सो देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी सेम टर्म है अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा. सो आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो थर्ड आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है अब फोर्थ आइडेंटिटी पे आते हैं. वो ज्यादा यूजफुल तो नहीं है लेकिन जान लीजिए आप. सो एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी जब फर्स्ट टर्म सेम हो दोनों बाइनोमियल का लेकिन सेकेंड टर्म क्या हो डिफरेंट हो. ठीक है सो इक्वल टू सो हम इसको भी नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस 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 ए इंटू बी ए बी. सो देखिए यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म में हम x कॉमन ले सकते हैं. ठीक है सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी. ठीक है ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है. तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है सो ये हो गई फोर्थ आइडेंटिटी. सो ये टोटल फोर आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे. सो चलिए हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. सो एग्जांपल इज फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स या प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज. सो हमें गिवन क्वेश्चंस को आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है. सो चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन. सो फर्स्ट पार्ट है सो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर. सो देखिए यहां पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे. फर्स्ट वाली क्योंकि बीच में प्लस है. ठीक है सो हम यहां लिखेंगे ब्रैकेट में यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है सो ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे फाइव है इक्वल टू. सो देखिए हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है सो गया एक्स का होल स्क्वायर. लास्ट में हमें सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है सो यहां लास्ट में लिखेंगे प्लस फाइव होल स्क्वायर. ठीक है बीच में हमें प्लस टू इंटू दोनों टर्म करना है तो टू इंटू एक्स इंटू फाइव. ये सबसे सिंपल तरीका आप इससे करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा. इक्वल टू सो एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स इंटू फाइव सो टेन एक्स प्लस फाइव स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव. सो देखिए ये हमारा आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट आया है. नॉर्मली करते प्रोडक्ट तब भी यही रिजल्ट आता. ये शॉर्ट कट है. चलिए हम सेकेंड पार्ट करते हैं. सो इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको टू एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर क्योंकि सेम टर्म. सो अगेन फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी सो आप यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है सो चलिए हम यूज करते हैं ए के प्लेस पे है टू एक्स और बी के प्लेस पे है थ्री वाई सो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स टू एक्स होल स्क्वायर लास्ट में प्लस थ्री वाई होल स्क्वायर बी स्क्वायर बीच में प्लस टू इंटू ए मीन्स टू एक्स इंटू बी मीन्स थ्री वाई. ठीक है इक्वल टू सो देखिए यहां टू एक्स का होल स्क्वायर हमें करना है सो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर हो गया फोर एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स वाई.
प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आप लोग 4x और 9y लिख देते हैं, स्क्वायर करना उसका भूल जाते हैं, ठीक है। कम टू द थर्ड पार्ट, सो देखिए यहाँ पे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, सो आप साइड में वहां फर्स्ट आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर, लास्ट में सेकेंड टर्म का स्क्वायर 4b होल स्क्वायर, बीच में प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए बी सेकेंड टर्म 4b, ठीक है, इक्वल टू, सो a और b दोनों का स्क्वायर करेंगे, सो a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 2 4 जा 8, a b इंटू बी बी स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, सो फोर्थ पार्ट है p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू, सो फोर्थ इज p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू, सो हम इसको लिख सकते हैं p माइनस क्यू होल स्क्वायर। सो अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अब सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि बीच में माइनस है, सो यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम है बस बीच में माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए हम यहां यूज करते हैं इक्वल टू, सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में प्लस में सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा प्लस होगा आप माइनस लिखते हैं, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म p इंटू सेकेंड टर्म q, और आप लोग q को माइनस लिख देते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे p पे हमने ब्रैकेट क्यों नहीं यूज किया है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है, अगर डबल टर्म्स होंगे उसमें या डबल नंबर्स होंगे तो वहां होल स्क्वायर लिखेंगे। सो फिफ्थ पार्ट इज, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि बीच में माइनस है, सो आप साइड में सेकेंड आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू, सो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4p होल स्क्वायर, लास्ट में प्लस 3q होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए मीन्स 4p इंटू बी मीन्स 3q, ठीक है, इक्वल टू, सो 4 का स्क्वायर हो गया 16, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 pq, प्लस 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। सो चलिए हम सिक्स पार्ट करते हैं, x अपॉन 2, ठीक है, अगेन यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगा क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, सो यहां आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू, सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स x अपॉन 2 होल स्क्वायर, लास्ट में सेकेंड टर्म का स्क्वायर y अपॉन 4 होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए मीन्स एक्स अपॉन 2 इंटू बी मीन्स y अपॉन 4, ठीक है। सो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन 4 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए हम आते हैं सेवंथ पार्ट पे, अब देखिए यहां पे दोनों टर्म सेम है दोनों केस में, लेकिन एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, इट मीन थर्ड आइडेंटिटी हमें यूज करना पड़ेगा, सो यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबसे सिंपल आइडेंटिटी यही होती है, ठीक है। क्या करना है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5x होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी हो गया 3y होल स्क्वायर, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सो चलिए हम यहाँ 8th पार्ट देख लेते हैं, सो देखिए यहाँ पे भी टू टर्म सेम है दोनों केसेस में, एक में माइनस है दूसरे में प्लस, जरूरी नहीं है कि प्लस वाला आगे ही लिखा रहे हमेशा, सो हम यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू,
बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर मीन्स एक्स अपॉन थ्री होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स थ्री जेड अपॉन फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन. सो थ्री का स्क्वायर नाइन, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, सबका स्क्वायर होगा. ये फाइनल आंसर है. आप प्रोडक्ट करके भी चेक करेंगे नॉर्मल तो यही आंसर आपको मिलेगा. नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. सो हियर गिवन टू क्वेश्चन, दिस इज योर टूडेज क्लास वर्क विच आर सेम एज एग्जाम्पल्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो. सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.